आज हम लोग टाटा पंच की सेकंड वेरिएंट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है एडवेंचर। जी हाँ, एडवेंचर की एक खास बात क्या है कि इसमें आपको ऑटोमेटिक अवेलेबल है। ये प्योर के एक ऊपर का वेरिएंट है, जहाँ प्योर में आप बात कर सकते हो कि आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिलता है। तो चलिए जानते हैं इसके फीचर्स के बारे में और इसके अंदर क्या क्या हमें मिलता है। जहाँ तक बात करें इसकी पहले वेरिएंट की प्योर के बारे में, तो उसमें आपको कहीं से भी इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिल रही थी और आपको रिदम पैक को यूज़ करना पड़ रहा था। लेकिन एडवेंचर के केस में ऐसा नहीं है। एडवेंचर के केस में आपको पहले से ही कंपनी 4 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम प्रोवाइड करती है, जिसको आपको कहीं से बाहर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये कंपनी फिटेड आती है। दूसरी इसकी जो सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर में आपको ऑल पावर विंडोज़ मिलता है, फुल व्हील कवर मिलती है, बॉडी कलर जो है इसमें सिर्फ 2 वेरिएंट में आती है। और एक और चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट एडवेंचर के बारे में आपको जानने के लिए है कि इसमें टोटल इसकी 4 कलर वेरिएंट में ये उपलब्ध है। और बात करें USB चार्जिंग पॉट इसमें अवेलेबल होती है। और इसमें एक और चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसका रिदम पैक यूज़ करते हो, अब बात आती है फिर से कि ये रिदम पैक इसमें क्या क्या आपको फैसिलिटी बढ़ा के देगी। तो रिदम पैक अगर आप यूज़ करते हो तो आपको 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है हरमन का विद 2 ट्यूटर्स। जी हाँ, जो कि प्योर में आपको रिदम पैक यूज़ करने के बाद सिर्फ 4 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा था, वही यहाँ पर ये बढ़ के 7 इंच का हो जाता है। उसके साथ में आपको रियर कैमरा की फैसिलिटी भी इसमें मिल जाती है अगर आप रिदम पैक को यूज़ करते हो। बट अगर आप रिदम पैक प्योर में यूज़ करते हो तब भी वहाँ पर आपको रियर कैमरा की फैसिलिटी नहीं मिलती है। इसलिए वैल्यू फॉर द मनी जो अगर हम लोग बोले तो एडवेंचर एक अच्छी विकल्प हो सकती है आपके पास पंच में दिमाग लगाने के लिए। और ये सबसे खास बात है कि इसमें ऑटोमेटिक भी अवेलेबल है, जो कि आपको प्योर में अवेलेबल नहीं है।